और झांसी में 19 दिसंबर को शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन कानपुर में हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा का कानपुर में जोरदार स्वागत भी हुआ और इस दौरान जनता के लिए मिल रहे समर्थन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जीत का दावा किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माँ गंगा की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखे पलटवार भी किए। समाजवादी पार्टी के साइकिल का पहिया पूरी तरह से पंचर हो चुका है। जनता ने समाजवादी पार्टी के शासन को भी देखा और समाजवादी पार्टी के विपक्ष के जो आचरण होते उस आचरण को भी देखा। जैसे चुनाव आया वैसे कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडे, कोई लाल टोपी लगा करके, कोई जालीदार टोपी लगा करके, सड़क में जरूर दिखाई दिया है, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें नहीं प्राप्त है। उन्हें गुंडे, अपराधी, माफियाओं का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, डबल इंजन की दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार सरकार के रूप में भी, पार्टी के रूप में भी बहुत तेज है। जनता का जबरदस्त समर्थन है।